गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड वंस अगेन वेलकम टू अन अकेडमी। क्या हाल, कैसे हो आप सभी लोग? आई विश कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं, एंड ऑब्वियसली आप अपनी अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त हो सभी बच्चे। तो सबका वेलकम है, सबका स्वागत है, और एक बार जल्दी से आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। फटाफट से हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस, ढेर सारी चीज़ों को यहाँ से देखना शुरू करेंगे। चलिए, तो एक बार जितने बच्चे अभी क्लास में लाइव हो पाए हैं, जल्दी से सेशन को लाइक कर लो, और इंश्योर करें कि आपने अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दिया है आज के सेशन को। तो चलिए, मैं भी एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देता हूँ ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ पाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग सेशन से जुड़ पाएँ और फटाफट से हम लोग आज के इस क्लास को आगे बढ़ाएँ। हाँ, चलिए, तो जल्दी से आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। और मेरी आवाज़ जा रही है क्लियरली? आप क्या, मैं अच्छे से सुनाई पड़ रहा हूँ आपको? लिस्ट लंबी है, सभी का वेलकम रहेगा। हाँ, सभी बालकों का वेलकम है, स्वागत है। ग्रेट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो कैसे हो आप सभी बच्चे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता देंगे कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओगे। ओके, तो सभी लोग बहुत अच्छे हो आई होप, और आप सभी व्यस्त हो अपनी अपनी तैयारी में। बीपीएससी का फॉर्म आपने फिलअप कर लिया होगा, और अब पूरी ऊर्जा से, पूरी जुनून के साथ अपने इस एग्ज़ाम के लिए लगना है। चलिए, तो साथियों आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, और हर दिन की तरह सेशन की शुरुआत होगी शुभ विचारों के साथ। मेहनत, हिम्मत, लगन हर सपने को साकार करती है। जी हाँ साथियों, मेहनत, हिम्मत, लगन हर सपने को साकार करती है। सपने केवल देखने से नहीं होता है, बल्कि पूरी लगन के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी हिम्मत के साथ हमें उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। अदरवाइज वो सपने महज सपने रह जाएंगे, वो हमारे कभी अपने नहीं हो पाएंगे। तो जीवन में जो कुछ भी आपने ठाना है, जो कुछ भी आप सोचते हो, जिसके ख्वाब देखते हैं, उसके लिए हमेशा प्रयास करिए कि मेहनत करनी है, और पूरी लगन के साथ, पूरी कंसिस्टेंसी, पूरी फोकस होकर के। और आप देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा जब आप उस मेहनत के दौरान, उस कार्य में, उस ख्वाब को हकीकत में बदल पाएंगे, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। और बिल्कुल, तो आमतौर पर बिल्कुल, तो आमतौर पर हमने यही देखा है अपने जीवन में, आसपास में, कि भाई साधारणतः लोगों ने ख्वाब तो देख लेते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल बुरी बात है। बिल्कुल, तो साथियों आज के सेशन की शुरुआत हम लोग इसी शुभ विचार के साथ करेंगे, और फटाफट से हम लोग सबसे पहले लौटेंगे क्विक रिविज़न में। आप सब ने जानकारी है कि हम लोग क्विक रिविज़न में क्या करते हैं, कि जो आपने कल सवाल बनाए थे, वापस से उन्हीं प्रश्नों को जल्दी जल्दी से फटाफट से उड़ाते हैं, ताकि एक बार आप रिवाइज कर सको मेरे साथ, फिर हम लोग नए प्रश्नों पे वापस लौटते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं एक बार कल के सवालों को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेशन को लाइक कर लेना जैसे ही आप लोग आते हो। हाँ, लाइक कर लो, और अपने सभी साथियों के साथ मेक श्योर करिए कि आपने क्लास को शेयर कर दिया है। ग्रेट, तो साथियों जल्दी से हम लोग एक बार क्विक रिविज़न में आएंगे, और जल्दी जल्दी से तमाम सवालों को यहाँ से देखते चलेंगे। हाँ, क्विक रिविज़न में ये पहला सवाल आपके सामने, क्विक रिवीजन में पहला प्रश्न आज का आपके सामने, और जल्दी से इस सवाल को आप पढ़ोगे, बनाने की कोशिश करोगे। इन सवालों को उड़ाना है बेसिकली आपको, हाँ, डेढ़ दो मिनट के अंदर। तो पहला सवाल क्या आपने पढ़ना है भाई कल के लिए, जो आपने कल ऑलरेडी बना रखा है। तो पहला प्रश्न आपके सामने होगा, कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। लो, सवाल है आपसे कि भारत का पहला शहर जो वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम में शामिल हो गया, उस शहर का नाम क्या है? जल्दी जल्दी से प्रश्नों को उड़ाते चलना। तो साथियों भारत का वो पहला शहर है बेंगलुरु, एंड आप में से लगभग सभी बच्चों का कमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीति आयोग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और हरित सतत विकास के लिए कहाँ पर बैठक का आयोजन किया है? प्रश्न संख्या दो, जल्दी जल्दी से कॉमेंट करिएगा। पीयूष आज़ाद, खुशबू, विवेक, राजीव, दिनेश, आदर्शनी, वेलकम है बालक, आंसर करते चलो जल्दी जल्दी से। पहला प्रश्न बेंगलुरु सही आंसर था, दूसरा सवाल आपके सामने है, दूसरा प्रश्न आपके सामने। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो इसमें सही जानकारी क्या है साथियों, इसका आयोजन हुआ है
नई दिल्ली, चलिए ये भी एक्सीलेंट रहेगा। अगला अपना पुनः सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरिया गोल्ड कहाँ पे लॉन्च किया है? यूरिया गोल्ड तो साथियों इससे लॉन्च किया गया था राजस्थान के अंदर, और राजस्थान में भी कहाँ पे भाई, सीकर में। कहाँ पे? सीकर में। यूरिया गोल्ड में क्या है सबसे अधिक मात्रा में? तो सबने जानकारी रखोगे इसमें सल्फर की मात्रा सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला प्रश्न पुनः है कि कौन सा राज्य भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करेगा? मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना साथियों कहाँ पे होने वाला है? तो वह संबंधित पहला राज्य है केरल। आगे पुनः सवाल हमारे सामने है कि भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा और आईटी में त्वरित सुनवाई के लिए किस देश के साथ 5 विषयों पर समझौता किया है? भारत के विदेश मंत्रालय ने संबंधित देश के साथ यह समझौता किया है, और सही उत्तर है यहाँ पे, बहुत बेहतर, वेरी गुड, लाओस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है कि साथियों नई एजुकेशन पॉलिसी के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, और उस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री, उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम है उल्लास। उल्लास में इसमें डबल एल आ रहा है, तो पूछा जा रहा है सेकेंड एल का फुल फॉर्म क्या है? तो दूसरा एल का फुल फॉर्म क्या है साथियों? लर्निंग। हाँ, एक है लाइफ लॉन्ग और दूसरा का है लर्निंग। चलिए आगे पुनः सवाल हमारे सामने होगा, ये सब तो हम लोग देख लिए थे। नेक्स्ट है कि अमेजन इंडिया लास्ट पॉइंट डिलीवरी प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत किस झील पे अपना फ्लोटिंग स्टोर खोलने के लिए तैयार है? अमेजन जो है अपना फ्लोटिंग स्टोर ओपन करने जा रहा है, जहाँ पे वो तैरता हुआ स्टोर होगा, हाँ उधर भी झील उल साइड में भी आपको सारी वस्तुओं को डिलीवर वो कर देंगे। अटेंडेंस अभी तक नहीं बना पा रहे हो आप लोग, जिन बच्चों का लाइक हो चुका है उनका अटेंडेंस ओके है, और जिनका नहीं हुआ है उनका बाकी है अभी भी। चलिए डल लेक यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, किस देश ने हाल ही में रूबेला का उन्मूलन करने की घोषणा करी है? WHO ने उसको सर्टिफिकेट भी दे दिया है। भारत 2023 हमारा लक्ष्य है, इसी वर्ष तक हमारा समाप्त हो जाएगा, लेकिन उस संबंधित देश का नाम क्या है जहाँ पे रूबेला को समाप्त घोषित कर दिया गया है? तो सभी बच्चे जानकारी रखोगे, वह देश है भूटान। महज किस भुगतान कंपनी ने भारतीय निर्यातकों को मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट खाता लॉन्च कर दिया है? मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट किसे लॉन्च करा है? रेजर पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दी NS विश्वनाथन 3 साल के लिए किस बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया है, और इन्हें एक्सिस बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर अपॉइंट किया गया है। आगे प्रश्न आपके सामने पुनः होगा कि अपने उपन्यास चाई टाइम एट सिनामन गार्डन्स के लिए किसे प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह व्यक्तित्व, वह पर्सनैलिटी कौन सा है? चलो, तो ये सवाल आपने ये 4थी 5वीं बार आप बना रहे होगे, और सबने लगभग सही आंसर करना है, शंकरी चंद्रन, ऑप्शन नंबर ए पुनः आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सराजरुल एजात इदरस चीन के खिलाफ स्टूडेंट, इन्होंने T20 पुरुषों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा 7 विकेट लेकर के रिकॉर्ड बना लिया है। आपसे सवाल है कि ये किस देश के प्लेयर हैं, किस देश के क्रिकेटर हैं साथियों? तो ये मलेशिया से हैं, और ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनः सवाल आपके सामने, विश्व रेंजर दिवस हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है। आपसे सवाल ये है कि बताओ रेंजर दिवस का थीम क्या था इस वर्ष का? तो चूंकि अभी 30 वर्ष इसकी स्थापना का हो गया है, तो इस वर्ष का जो थीम था स्टूडेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है 30x30। क्या था इस वर्ष का थीम स्टूडेंट? तो सबने जानकारी रखोगे कि इस वर्ष का थीम था 30x30। इस वर्ष का थीम क्या था स्टूडेंट? 30x30। हाँ, तो इसकी पूरी जानकारी रखोगे। चलिए बहुत अच्छा, आगे फिर से बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे पुनः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अगला सवाल होगा कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों लोकमान्य तिलक पुरस्कार से पुणे में कार्यक्रम हुआ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके पुण्यतिथि के अवसर पर। तो बी यहाँ पे पुनः सही आंसर है। नेक्स्ट है, मेमोरीज नेवर डाई इसके सह लेखक कौन है? मेमोरी नेवर डाई इसके सह लेखक कौन है? इसे लिखने वाला कार्य किसने किया है?
चलिए, जिन बच्चों का कमेंट्स लेट से आ रहा है सबको बोलूँगा कि आप लोग क्या करना है, एक बार लाइव पे क्लिक कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। तो स्टूडेंट इसे लिखने का कार्य किया है नसीमा मरेकर और वैज्ञानिक डी वाइस राजन ने। आगे पुनः सवाल है, श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं? इंडिया ने कितने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिए हैं? तो सब ने जानकारी रखोगे कि इंडिया ने इसमें टोटल कुल पदक 14 जीता था। हाँ और बिल्कुल, उसमें स्वर्ण पदक की संख्या कितनी थी? 9 थी। तो यहाँ पे जानकारी रखोगे कि इंडिया ने 9 स्वर्ण पदक जीते थे, 4 सिल्वर मेडल था और कितना हो गया, 9-4 और एक उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। टोटल 14 पदक इंडिया ने जीता था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने किस देश के राष्ट्रपति को 13वां संशोधन लागू करने का आग्रह किया है? 13वां संशोधन स्टूडेंट 1987 में हुआ था भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और वहाँ के राष्ट्रपति के मध्य, और श्रीलंका को इसे लागू करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है। उस कंपनी का नाम बताओ जो INS संकुश को आधुनिक बनाएगा। INS संकुश जो है भारतीय सेना का जो जहाज है उसको आधुनिक बनाने का काम कौन सी कंपनी करेगी? बहुत शानदार सर, तो यह कार्य करेगी मुंबई महाराष्ट्र मझगांव डॉकयार्ड डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। पुनः सवाल, भारत उस व्यक्तित्व का नाम बताओ जो हाल ही में सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता संभाल रहा है। सामाजिक विकास आयोग की अध्यक्षता को कौन संभाल रहा है? आज आप सबको पता है ना, आज अब से ठीक थोड़ी देर के बाद 10 बजे आपके लिए एक सेशन लेकर के मैं आ रहा हूँ, और वह सेशन है बिहार करेंट अफेयर्स, मई के टॉप 50 क्वेश्चंस, मई महीने का टॉप 50 सवाल लेकर के आ रहा हूँ। आज 10 बजे सुबह में वो वाली क्लास होगी। हाँ तो प्रयास करिएगा, यूट्यूब पे ही होगा, आप सब उसमें जुड़ना। चलिए, इसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट? तो इसमें सही उत्तर है रुचिरा कंबोज ना, बिल्कुल रुचिरा कंबोज यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे पुनः सवाल है कि उस नए टर्म इंश्योरेंस प्लान का नाम बताओ जो हाल ही में भारतीय जीवन बीमा के अंतर्गत प्रीमियम भी वापस कर देगा और आपको जीवन बीमा भी मिल जाएगा। तो उसका नाम है स्टूडेंट जीवन किरण, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है LIC ने। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से जुड़े हुए कुछ सवाल, और बिहार करेंट अफेयर्स के सवाल में बिहार के किस जिले में स्थित महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया है? महुआवा कहाँ पर है? हाँ YT पे ही होगा, यूट्यूब पे 10 बजे सुबह में। हाँ आज 10 बजे क्लास होगी। ग्रेट, तो साथियों इसमें सही जानकारी है सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो, बिहार के किस जिले में सीता थापा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? सीता थापा महोत्सव, हाँ इसका आयोजन कहाँ पर होगा? सबके कमेंट्स मुझे चाहिए, अभी तक कुछ बच्चों का नहीं आ रहा है। कैसे कैसे होगा भाई? ग्रेट, हाँ तो इसमें जहानाबाद बिल्कुल सही आंसर था। आगे पुनः सवाल आपके सामने है, बिहार सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ता सहायता के अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी बढ़ा करके कितना करोड़ कर दिया है? बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी जो सरकार देती है स्टूडेंट, उसे 13,114 करोड़ उसके लिए फंड अलॉट किया। नेक्स्ट है, किससे बिहार पर्यटन विभाग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? बिहार का पर्यटन का जो थीम है, टैगलाइन है, वह क्या है स्टूडेंट? ब्लिसफुल बिहार। बिहार को प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट इसकी शुरुआत करी गई है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर है मैथिली ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी। TB उन्मूलन अभियान के तहत बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत बेहतरीन काम किया है? इसमें कितने जिले बिहार के टोटल शामिल हैं 38 में से? तो स्टूडेंट इसमें बिहार के टोटल 5 जिले जो हैं वो शामिल हैं, हमने कल लिस्ट भी लिखवाया था आपको, तो ये पूरी जानकारी आप यहाँ से रखेंगे। चलिए तो अब हम लोग वापस से आज के करंट अफेयर्स में हैं और नए प्रश्नों पर लौटेंगे। इससे पहले मैं नए सवालों पर लौटूं, दो जानकारी सभी के लिए है। सबसे पहले अब से ठीक थोड़ी देर के बाद 10 बजे आप सब जरूर से ज़रूर जुड़ना, जिसमें बिहार करंट अफेयर्स में टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और दूसरी जानकारी है कि रात में 9 बजे मैं एक फ्री क्लास लेकर के आता हूँ अनअकैडमी के स्पेशल पे, और वह फ्री क्लास है जहाँ पे हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। और वो मिक्स्ड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, अगर आप नहीं आए हो उस क्लास में आज तक, तो आज रात वाले 9 बजे की क्लास में मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ, और उस क्लास में आ करके अगर आप वाह नहीं बोलोगे फिर मुझे बता देना। वो शानदार सेशन है, हाँ
और उसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि उसमें सारे अच्छे बच्चे हैं, मतलब टॉपर्स टाइप के स्टूडेंट हैं, वो बड़ा कमाल का सेशन है। हाँ, तो मैंने कल क्लास में चर्चा कर रहा था, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर यूट्यूब पे आप नहीं बताते इसलिए बहुत बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं। तो हमने कहा भाई बता देते हैं सबको। हाँ, तो रात में 9 बजे वो वाली क्लास है अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे। हाँ, वो स्पेशल यानी फ्री क्लास में है, कोई पैसे वैसे नहीं देने, बस आपको ऐप इंस्टॉल किए हो तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और आज 10 बजे यूट्यूब के ऊपर हम लोग मिलेंगे बिहार करेंट अफेयर्स को लेकर के, तो बिल्कुल प्रयास करिएगा आज उस क्लास में आने का। तो चलिए, मैंने बता भी दिया, अब मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे उस क्लास में ज्वाइन करेंगे। चलिए, अब बारी है नए प्रश्नों की, तो सभी लोग तैयार हो। आज का जो सेशन स्टूडेंट, ये है 3rd ऑफ अगस्त, और 3rd अगस्त के आज के सेशन में हम लोग, हाँ, उस क्लास में जितने भी बच्चे होंगे कि उस क्लास में जितने भी लोग हैं, वो इस क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्हें पता है कि वहाँ पे क्या लेवल चलता है, वो दूसरा लेवल है। मतलब अगर 9 बजे वाली क्लास अगर रात की आप कर रहे हो ना, आप उसका होमवर्क अगर कर लेते हैं केवल घर में बैठ के, तो आपका अच्छा खासा पकड़ हो जाएगा जीएस में। तो प्रयास करिए उसमें ज़रूर जुड़ने का। सर कैसे ज्वाइन करेंगे नए वाले सेशन, समझ में नहीं आता है। आपको कुछ नहीं करना है, अकेडमी का ऐप इंस्टॉल कर लेना, मोबाइल नंबर और OTP वगैरह आ जाएगा, फिर आप फ्री क्लास में जाइएगा, आपको आराम से दिखेगा 9 बजे रात में। या टेलीग्राम चैनल पे हो ना, टेलीग्राम जो हमारा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे लिंक चला जाएगा क्लास का, क्लास से पहले उस लिंक पे क्लिक करना, क्लास ओपन हो जाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, पहला प्रश्न आज के सेशन का होगा, ये बड़ा कमाल का सवाल है और इसे जल्दी से पढ़ोगे, बनाने की कोशिश करोगे। हाँ, चलिए जल्दी जल्दी से सवालों को देखते चलना है। पहला प्रश्न आज के सेशन का आपके सामने है, सभी बच्चे इन सवालों को एक बार देखोगे। हाँ, चलिए बहुत बेहतर। ओके, अब सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते ना, कुछ बच्चा पागलपन में है तो उसको नहीं रोका जा सकता। चलो अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, अश्विन, पहला प्रश्न आज के सेशन का है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय किस वर्ष तक 70% बढ़ने का अनुमान है। चलिए, एक सवाल आपके सामने, आज का पहला सवाल आपके सामने, सवाल क्या है ध्यान से सुनना। हाँ, सवाल आपसे पूछा गया है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्रति व्यक्ति आय 70% से बढ़ जाएगा, और कितने वर्षों तक ये 70% से बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है यहाँ पे। चलिए, तो आप में से मैक्सिमम बच्चे प्रयास अच्छा कर रहे हो लेकिन सफलता नहीं मिल रही, बट कोई नहीं, हाँ, सबने जानकारी रखोगे। स्टूडेंट, भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2030 तक बढ़ जाएगा 70%। हाँ, और 2030 तक कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो $4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भारत में प्रति व्यक्ति आय, $4,000। मतलब अभी से अगर आप तुलना करो तो 8×32 लगभग भारत में 3.5 लाख रुपये प्रति व्यक्ति आय होगा। अभी इंडिया में कितना भाई, लगभग 1,70,000-72,000 के आसपास। हाँ, और अगर देखेंगे नॉमिनल रेट पे तो रियल पे लगभग 1,40,000-45,000 के आसपास होगा। तो 2030 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय, चूंकि ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का रिपोर्ट है, भाई डॉलर उलर में लोग फाइंड आउट करता है, तो $4,000 जो है वो हो जाएगा। फिर आपके मन में सवाल होगा कि इसी रिपोर्ट में क्या है, भारत के लिए अभी का आय कितना बताया गया है। तो अभी जो है स्टूडेंट 2023 के लिए, उसमें इन्होंने अनुमान लगाया है कि भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है स्टूडेंट वह है $2,450। कितना है, तो $2,450। हाँ, यानी कि 2023 में $2,450, ये 70% से इंक्रीज करेगा, 2030 तक लगभग $4,000 हो जाएगा। अब ये रिपोर्ट जारी करने वाले जो बैंक है चार्टर्ड बैंक, इसके बारे में भी जानकारी रखेंगे। तो स्टूडेंट इसके बारे में सबने नोट करोगे कि 1969 में इस बैंक की स्थापना हुई थी, और चार्टर बैंक जो स्टूडेंट इंडिया की बैंक नहीं है बल्कि इसका लंदन हेडक्वार्टर है, और यह एक फॉरेन बैंक है, यानी कि ये UK बेस्ड बैंक है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का ये बैंक है, और इंडिया में एक विदेशी बैंक के रूप में और कॉमर्शियल बैंक के रूप में व्यावसायिक बैंक के तौर पे कार्य करता है। तो पहला सवाल, ये पूरी जानकारी आपको मिल गई। बच्चा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि क्या मैं कमेंट जो डिस्क्रिप्शन जो ऐड करता हूँ, क्या वो चीज़ें काम की हैं या नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि अब बीपीएससी मेंस में आपको शॉर्ट नोट्स लिखने को मिल रहा है, तो मैं अब ये चाह रहा हूँ कि, और दूसरी चीज़ क्या है कि क्वेश्चंस वो थोड़े हो सकता है कि वो कोड वाला क्वेश्चन पूछें, तो वहाँ पे ये सब जानकारी थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में हमने इसकी पूरी एनालिसिस को भी शामिल कराया है और इसको भी आप देखेंगे। जैसे आय में बढ़ोतरी से देश का जो GDP होगा वो कितना हो जाएगा 2030 तक, भाई अब ये भी सवाल हो सकता है। तो 2030 तक इंडिया का GDP जो है वो लगभग $6 trillion तक हो जाएगा, इसी रिपोर्ट में ये बातें कही गई है, और बाकी वो सब कुछ जो हम लोगों ने उधर पढ़ा था अभी। चलिए आगे, पुनः सवाल हमारे सामने है, और सॉरी एक और जानकारी कि जैसे आप, हमें ये भी जानना होगा कि भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय अधिक है, कहाँ कम है, इसी रिपोर्ट के अनुसार। तो सब लोग नोट करते चलोगे कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय उसमें तेलंगाना का है, तेलंगाना फर्स्ट रैंक पे है। दूसरे स्थान पे उसमें कर्नाटक है, दूसरे स्थान पे कौन है, कर्नाटक। इसी रिपोर्ट में तीसरे स्थान पे बताया गया है कि भाई तमिलनाडु है। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि चौथे स्थान पे केरल है ना, और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि पांचवें स्थान पे जो है वो आंध्र प्रदेश है, और इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार जो है वो सबसे अंतिम में है, सबसे लास्ट में है, लास्ट में है, अंतिम में है। और इसके जस्ट ऊपर इसका छोटा भाई झारखंड, इसके जस्ट ऊपर ओडिशा। तो ये पूरी जानकारी जो है वो हम लोग यहां से इसको समझने की कोशिश कर रहे, देख रहे हैं। चलो अभी कमेंट सेक्शन में आंसर राइटिंग एकदम नहीं करोगे, किडनियां टूटेंगी, बस इतने मुक्के मारूंगा मैं यहां से, बदमाशी बहुत कर रहे हो। हाँ अभी ये इस तरह का वाइट पेपर लेना, ठीक है, और आराम से बैठ के आंसर राइटिंग करना चाय कॉफी पीते हुए। ये कमेंट सेक्शन में अपना जान नहीं देना है, ठीक है, पूरा कमेंट सेक्शन में एकदम छा जाना, इतना लिखोगे फालतू बच्चा के। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे सामने। अच्छा एक प्रश्न और होगा कि बताओ भारत में सबसे अमीर राज्य कौन सा है आर्थिक रूप से, तो वहाँ गड़बड़ाना नहीं, सबसे अमीर राज्य में पहले नंबर पे आता है महाराष्ट्र, वो डिफरेंट चीज़ है। चलिए तो अगला सवाल फिर से साथियों कि राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 20वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, 20वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, आगे आपके सामने सवाल है। जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा, फटाफट से कमेंट करना है सभी बालकों को, अगर किसी की कमेंट में देरी हुई तो उसके सर भी फूटेंगे और पिटाई भी लग सकती है उसको। जल्दी जल्दी उत्तर करोगे। चलिए बहुत बेहतर, एक्सीलेंट, वाह वाह वाह। चलिए तो साथियों सबने जानकारी रखोगे कि इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है 20वें वार्षिक सम्मेलन है, ये कौन सा है, 20वां सम्मेलन है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का, तो इसके बारे में जानकारी रखिएगा कि इसका इनॉग्रेशन किया गया है ओम बिरला साहब के द्वारा, जो कि भारतीय लोकसभा 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रहेगा सुन, वो ये है कि 20वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन साथियों शिलोंग में हुआ है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ है, शिलोंग में, और कहाँ पड़ता है, तो ऑब्वियसली मेघालय के अंदर। एंड नेक्स्ट एक जानकारी हम लोग यहाँ पे यह भी रख सकते हैं कि 19वां आयोजन कहाँ हुआ था, तो अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 19वां आयोजन यानी कि पिछले वर्ष जो आयोजन हुआ है वह कहाँ हुआ, तो सबने नोट करोगे गैंगटॉक में हुआ था आयोजन, गैंगटॉक सिक्किम के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और बिल्कुल इसमें कौन शामिल होता है भाई, तो इसमें पूर्वोत्तर राज्य शामिल हुए हैं, जैसे 20वां आयोजन भी जो हुआ है तो इसमें कौन शामिल हुए हैं, तो इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्व उत्तर के जो राज्य हैं उन सारे राज्य जो है वो शामिल हुए हैं, तो ये इसमें पूरी जानकारी रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो सारी बातें यहाँ पे वापस से लिखा हुआ है कि सम्मेलन प्राकृतिक आपदा प्रबंधन रणनीतियों इत्यादि पे है, और भारत संघ में संघ क्षेत्र के 20वें सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो ओम बिरला साहब ने किया है, ये पूरी जानकारी यहाँ पे रखोगे। आगे फिर से हमारे सामने सवाल होगा कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3925 होने का अनुमान है, स्टूडेंट अगले कुछ वर्षों में भारत में बाघों की आबादी जो है 3925 हो जाएगा, कितने वर्षों तक, इसका क्या टारगेट ईयर है, तो सारे बालकों को याद रखना है कि स्टूडेंट भारत में बाघों की संख्या जो है वो 6.1% से इंक्रीज करेगा, और यह बढ़ करके जो है स्टूडेंट वो 3925 होने का अनुमान है अगले कुछ वर्षों में। अब इसी के बारे में बाकी विस्तृत जानकारी ये है कि भारत में जनसंख्या भी बढ़ेगा 6.1% से इतना हो जाएगा बाघों का आंकड़ा,
और अभी टाइगर्स बाघ दिवस मनाया गया था उसी उपलक्ष्य में रिपोर्ट आया है, 29 जुलाई को मनाया गया था ना टाइगर्स डे बाघ दिवस, तो उसी के अवसर पर जानकारी दिया गया है। हाँ, और बिल्कुल पिछले साल मैसूर में साथियों प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूनतम आबादी 3161 घोषित किया था, जो कैमरा ट्रैप के माध्यम से अनुमान लगाया गया था। अब आपको याद होगा अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अभी 29 जुलाई को भारत में रिपोर्ट आया है वन मंत्रालय का, और उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान स्थिति क्या है। तो सबने ये जानकारी है कि भारत में वर्तमान समय में जो बाघों की संख्या है वो उसमें 4 वर्षों में लगभग 24% से बढ़ा है पिछले 4 वर्षों में। और बाघों की जो वर्तमान संख्या भारत में स्टूडेंट वो क्या है, तो अभी हमारे यहाँ संख्या जो है वो 3682 यानी कि 3682 है, और ये पूरे दुनिया भर में टोटल जितना बाघ है उसका 75% है यानी 75% है। और बाकी पूरी जानकारी है, जैसे भारत में बाघों के संरक्षण के लिए टोटल 53 टाइगर रिजर्व एस्टैब्लिश किया गया है। आमतौर पर एग्जाम में यह भी सवाल होता है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो साथियों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, 260 टाइगर यहाँ पे है। बांदीपुर कर्नाटक में 150 है, कर्नाटक में ही नागर हॉल में 141 है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ में 135 है, और तमिलनाडु में मुदुमलाई में 114 बाघ हैं। तो ये भारत के टॉप 5 जो सबसे बड़े टाइगर रिजर्व हैं उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब आगे क्या इसके बारे में जानकारी होगी स्टूडेंट, तो सबने इसके बारे में जानकारी रखोगे कि, और आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताओ भारत में राज्यों की स्थिति क्या है। तो देखो राज्यों की स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है 785 बाघ के साथ, दूसरे नंबर पे जो स्टूडेंट वो है कर्नाटक सेकंड पे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने इसकी संख्या भी देख रही 563। भारत में ऐसे भी कुछ राज्य जहाँ पे एक भी टाइगर नहीं है, जिसमें से नागालैंड और मिजोरम आ जाते हैं। इधर टाइगर एक भी नहीं है, नॉट अ सिंगल, एक भी नहीं है, शून्य यहाँ पे दर्ज हुए हैं। तो ये पूरा आंकड़ा आपने देख लिया, बिल्कुल। तो ये हमने करा, अब भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। करेंट अफेयर्स सुबह 7 बजे की क्लास, चाय नाश्ता करो या ना करो लेकिन करेंट अफेयर्स घटकते चलो, 20 कमाल के सवाल, और पिछले लगभग 2.5 वर्ष हमारा हो चुका है, हम सब लगातार यहाँ पे जुड़ रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चंस अगर आप सुबह सुबह पढ़ लोगे ना पूरा खुश रहोगे, और आप एग्जाम के अंदर क्या करने वाले वो तो है ही। तो चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगला सवाल क्या होगा आपके लिए जल्दी जल्दी देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राज्य में, और सुबह सुबह कोई बच्चा अगर बदमाशी कर रहा है कमेंट सेक्शन में उसको मैं मुक्के मार सकता हूँ यहाँ से। हाँ बिल्कुल, तो कमेंट सेक्शन में जान नहीं देना है, प्रयास करो बस कमेंट सेक्शन में आंसर करो। बिल्कुल ये ऑक्सीजन क्लास है, बिल्कुल। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत ने किस राज्य में शहरी सेवाओं में विकास के लिए ADB के साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। ओह माय गॉड, 200 मिलियन का ऋण समझौता हुआ है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, कौन सा राज्य है वह। असल कल हम लोगों ने पढ़ा था बिहार के बारे में ना, कि बिहार में सड़कों के निर्माण के लिए ADB के साथ 295 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ था ना, आंकड़ा सही है ये हम लोगों ने पढ़ा था बिहार के बारे में। लेकिन अभी एक और समझौता हुआ है शहरी विकास के लिए, बिहार में हुआ था सड़कों के निर्माण के लिए, और ये भाई कर रहा है शहरी विकास के लिए। तो संबंधित राज्य कौन सा है, निश्चित रूप से वह संबंधित राज्य है साथियों राजस्थान। कौन सा राज्य है वो, राजस्थान। राजस्थान की जब भी बात होती है तो सबने याद होगा कि मनरेगा के तहत अभी जो है इसने न्यूनतम आय का एक एक्ट पारित कर दिया कि न्यूनतम आय जो है वो लोगों का तय करेंगे, और मनरेगा के तहत 124 से 125 दिनों तक वहाँ पे लगातार काम मिलेंगे, 124 से 25 दिन देख लेना उसको। और दूसरा, प्रधानमंत्री ने सीकर राजस्थान के अंदर जो है वहाँ पे गोल्डन यूरिया को लॉन्च किया है ना, अभी एक गोल्डन उर्वरक जो है फर्टिलाइजर है उसको वहाँ पे लॉन्च किया गया है। और राजस्थान में कौन है स्टूडेंट, तो राजस्थान में भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने गिग वर्कर्स का एक्ट पारित किया है। गिग वर्कर्स कौन है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते हैं, तो उसके लिए एक्ट पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो वह है राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है स्टूडेंट, और ये पूरी जानकारी आप यहाँ पे रखोगे। आगे बढ़ेंगे, हाँ गोल्डन यूरिया उसको लॉन्च किया गया है इधर से। हाँ तो वही सारी बातें हैं कि भाई शहरों में शहरी विकास के लिए जो है वो एक ऋण समझौता हुआ है राजस्थान के लिए। आप सभी बच्चे हमें कॉमेंट सेक्शन में एक चीज़ और बताओगे। हाँ, और वह सवाल हमारा ये होगा कि क्या भारत का कोई भी राज्य
भारत के बाहर किसी भी संस्था से ऋण ले सकता है या नहीं ले सकता है, ये आप सभी बच्चों को बताना है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सवाल को, भारत का कोई भी राज्य क्या भारत के किसी बाहर किसी देश या किसी संस्था से ऋण प्राप्त कर सकता है या नहीं, जल्दी से कमेंट करिएगा, ये पॉलिटी का सवाल है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक इधर हम लोग देख रहे हैं। हाँ, कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूँ मैं। एक बालक लिख रहा है कि सर बारिश बहुत हो रही है। अरे तुम तो नज़र ही मत लगाओ, बारिश नहीं होगी तो खेत में धान कैसे रोपेंगे किसान लोग सब। बारिश हो रही, तुम बाहर बैठे हो क्या, अपने मकान में रहो तुम, बारिश हो रही भीग रहे हो तुम, ये तो खुशी की बात है। चलिए तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और गैर प्रबंधक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? स्टूडेंट ये कंपनी जो है ना इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड, यह एक PSU है। क्या है? PSU, यानी कि यह सरकार की कंपनी है और इसमें CMD OMD किसे बनाया गया है ये आपने बताना है। तो सभी बालक लोग नोट करोगे कि शिवेंद्र नाथ इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिवेंद्र नाथ को इसका MD अपॉइंट किया गया, हेड अपॉइंट किया गया। हाँ, और बिल्कुल ये भारत में क्या करता है स्टूडेंट, तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, जाहिर सी बात है बड़े उद्योगों पे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, हैवी इंडस्ट्रीज में काम करता है। तो हमारे यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, और वही सारे डिटेल्स यहाँ पे है कि वर्तमान में वह भारत निगम लिमिटेड में महाप्रबंधक के पद पे हैं, अब इनको इधर CMD MD वगैरह बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जेम्स फर्ग्यूसन जिम अस्केया को केन्या के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि जेम्स फर्ग्यूसन जो है ये किस देश से बिलोंग करते हैं, ये आपने कमेंट करना है जल्दी जल्दी से। उनका नाम है जेम फर्ग्यूसन जी मस्केया, उनको जलवायु परिवर्तन अंतर सरकारी पैनल यानी कि क्लाइमेट चेंज इंटर गवर्नमेंटल पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है, एंड वह किस देश से संबंधित हैं। अभी मात्र 58 बच्चों ने सेशन को लाइक किया है, तो क्या आपको लगता है कि इतने ही बच्चे अटेंडेंस बनाएंगे? मैं यहाँ पढ़ाऊँगा तुम सेशन ही लाइक नहीं करोगे, कमाल के लड़के हो भी। तो एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर लेना जितने लोग लाइव हो पाए, अभी 58 बच्चे में लाइव दिख रहे हैं, लाइक की भारी मात्रा में कमी है। हाँ चलिए, तो स्टूडेंट इसके बारे में जानकारी रखोगे, इसके बारे में जानकारी रखेंगे कि ये बिलोंग करते हैं UK से, और जलवायु परिवर्तन का जो पैनल है ना अभी इसका 59th मीटिंग चल रहा था, सत्र अभी चल रहा है। और देखो पूरी जानकारी रख लीजिए, हाँ यहाँ पे विस्तृत जानकारी है कि यूनाइटेड किंगडम के हैं जेम्स फर्ग्यूसन, नैरोबी केन्या के अंदर जो है वो अध्यक्ष चुने गए हैं, स्केया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ब्राज़ील के उसको पराजित कर दिया है, और इसको फर्ग्यूसन को कितना वोट मिला साथियों, टोटल 90 वोट मिले हैं। चुनाव में नैरोबी में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम मुख्यालय है, UNEP का हेडक्वार्टर है ना, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, और उसके 59th जो सत्र चल रहा था उसी में इनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो बिल्कुल, तो दो तीन बातें केवल नोट कर लेना, वो ये है कि UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम की 59वीं बैठक चल रही थी, 90 वोटों से विजयी हो गए हैं और ये अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गए हैं। आगे पुनः सवाल हमारे सामने है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये बहुत कमाल का सवाल है, बहुत कमाल का सवाल है, जल्दी से इसे करोगे आप। देखिए आमतौर पर आपने इसमें देखा होगा कि भारत में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसको क्या मिलता है, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और वह सर्टिफिकेट इस बात पर आधारित है कि वह कॉलेज जो है उसकी व्यवस्था कैसी है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, बच्चों के साथ इंटरेक्शंस कैसे हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो UGC है उसने क्या किया है, एक मूल्यांकन UGC ने स्टूडेंट एक मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद जिसको बोलते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडिएशन काउंसिल बनाया है, जिसको NAC कहते हैं। तो NAC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, इसमें हमारे कॉलेज में आपके कॉलेज में भी आते होंगे, टीम आती है ना बाहर से, प्रोफेसर की टीम आती है कॉलेज का मूल्यांकन करती है, फिर उसको सर्टिफिकेट देती है, जैसे C+ C+ A+। हाँ वो बताएगा कि कॉलेज कैसा है। तो इसमें जानकारी रखेंगे स्टूडेंट कि गणेश कनाबीरन, क्या नाम है इनका, तो गणेश कनाबीरन जो कि हैं उन्हें इसका हेड बनाएगा। भाई नाम थोड़ा अजीब सा है बट सबने जानकारी रखोगे, प्रोफेसर साहब हैं। और ये किधर से बिलोंग करते भाई, तो ये आंध्र प्रदेश से हैं और लंबे समय तक इनका अनुभव रहा है कॉलेजों का, नाम से ही थोड़ा सा लग रहा है कि इंडिया के इधर साउथ टाइप के होंगे।
तो उन्हें अपॉइंट किया गया। और यूजीसी जो है उसमें यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1956 भारत में क्या करता है, ये भारत में जो विश्वविद्यालय है उसको मान्यता प्रदान करता है, उसके लिए करिकुलम वगैरह तैयार करता है। तो उनके पास 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है और अब वो हेड हो गए हैं भारत में नैक टीम के, हाँ नैक के अध्यक्ष निदेशक के रूप में अपॉइंट हुए हैं। आगे सवाल है, यॉर्क सावर शायर दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष 22, 23, 1 अगस्त या 2 अगस्त, आमतौर पे ऐसे सवाल आसान हो जाते हैं। यॉर्कशायर दिवस कब मनाया जाता है, अच्छा कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर अनअकैडमी पे मतलब क्लास कर सकते हैं। देखो अनअकैडमी का ऐप ना आप लोग सब इंस्टॉल कर लेना, वहाँ पे फ्री क्लास बहुत होता है। अनअकैडमी मुझे लगता है कि एकमात्र ऐसी प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा फ्री क्लास देती है, और फ्री क्लास में सारा सुविधा है, आप क्वेश्चंस पढ़ो, बनाओ, पोल लगाओ, रैंक देखो, सब कुछ है बिल्कुल। तो आप सब लोग उसको प्रयास करिएगा ज्वाइन करने का। चलिए तो इसमें सही जानकारी क्या होगा फ्रेंड कि 1st of August, बिल्कुल सही सवाल है और इसमें आपने बिल्कुल सबने सही किया है कि 1st of August को यॉर्कशायर निवासियों और काउंटी के संबंध बनाए रखने के लिए लोगों ने यह दिवस मनाया जाता है। यॉर्कशायर दिवस की अवधारणा पहली बार 1974 में आया था और यॉर्कशायर राइटिंग सोसाइटी के द्वारा जो है प्रपोज है, और ये किस बात पर आधारित है स्टूडेंट, तो ये इस बात पर आधारित है कि उत्तर पूर्व और पश्चिम जो यॉर्कशायर है स्टूडेंट उसका उत्तर पूर्व और पश्चिम की जो सीमाएँ हैं वो लगा हुआ है काउंटी से, तो उसके लिए अच्छी भावना रहे, बेहतर रहे, उसके लिए वो डेवलपमेंट किया जाता है, उसके लिए कार्य किए जाते हैं, उसके लिए दिवस मनाया जाता है बिल्कुल। सर दिवस एक मंथ होता है, सब याद कैसे करेंगे, अपना जन्मदिन याद है ना वैसे ही याद करना, पूरा मामला समझेंगे कि 1759 में 7 साल के युद्ध के दौरान मिंडन की लड़ाई हुई थी और यॉर्कशायर सैनिकों जिन्हें व्हाइट रोज काउंटी के नाम से जाना जाता है ने युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और 1 अगस्त न केवल यॉर्कशायर ऐतिहासिक योगदान है बल्कि यह यॉर्कशायर समुदाय के लिए एकता को बढ़ाने का भी तारीख है, इंटीग्रिटी के लिए दिवस मनाए जाते हैं। ये पुनः बहुत ही शानदार सवाल है कि अमेरिका में राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस कब मनाया जाता है। देखो दिवस वाले जो भी सवाल होंगे ना इन सवालों को आपको क्या करना है कि बनाने का प्रयास करना है, जब क्वेश्चन वो मिलाने के लिए देंगे ना तो ऐसे सवाल एग्जाम में आमतौर पर पूछे ही जाते हैं, और खास इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ऐसे सवालों को अगर आप रेगुलर देखने की भी कोशिश करोगे तो 1-2 भी अगर आपको आता, मतलब 4 मिलाने वाला है तो 1-2 भी अगर आ रहा है तो आप फिर उसमें सही कर लोगे। चलिए तो ये कब मनाया जाता है ये आपने जल्दी से कमेंट करना है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, और सबके सबने सही जानकारी रखना है कि ग्रेट वाओ। तो इसमें सबसे सही जानकारी होगा स्टूडेंट कि यह दिवस भी जो है वो अमेरिका के द्वारा 1 अगस्त को मनाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला भाई, 1 अगस्त 2015 को मैथ्यूज़ और मेडिगन ने न्यूयॉर्क राज्य के एडिरोनटेक पर्वत के सभी 46 चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ने की उपलब्धि हासिल की थी, और उन्होंने 1 अगस्त को 46 चोटियों को फाइनल रूप से उसमें फाइनल व्हाइट फेस माउंटेन पर चढ़ाई के बाद जो है 2016 में औपचारिक रूप से क्लब में शामिल कर दिया गया। इस दिन की स्थापना जो है वो बॉबी मैथ्यूज और उनके दोस्त को सम्मानित करने के लिए किया गया है। पूरा मामला समझ में आ गया कि हमारे यहाँ जैसे आमतौर पर हम लोग क्या होता है, हम लोग के यहाँ भी जब माउंट एवरेस्ट तरफ लोग चढ़ाई करते हैं तो वहाँ पर न्यूयॉर्क में एक चोटी है, पर्वत है, रेंज है, माउंटेन रेंज, और उसका नाम है एडिरोनटेक पर्वत, तो न्यूयॉर्क में नाम भी अजीब सा है भाई इनका, तो उसमें 46 चोटी है, पीक है, और उन सभी चोटियों पे जो इन्होंने जो है वो चढ़ाई कर दिया है, तो इसकी जानकारी हम लोग रखेंगे। हाँ चलिए ओके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सर अब आप पिक्चर नहीं लगा रहे हैं, पिक्चर उक्चर में बहुत समय जा रहा है, हाँ तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पे मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कभी भी कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। पता चला कि जल्दबाजी के चक्कर में मैं आपको कोई भी क्वेश्चन दे दूँ टिक 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 टिक, तो ऐसे नहीं होता है, कंटेंट आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट जो सवाल होगा वह है वर्ल्ड वाइड वेब दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइड
वेब दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करेंगे, 22, 23, 1 या 2 अगस्त को। WW बोलते हैं हम लोग, WW डॉट, तो ये WW जो दिवस है, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस प्रतिवर्ष कब मनाए जाते हैं, तो इसमें भी सही जानकारी होगा कि 1 अगस्त, 1 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। मामला पूरा क्या है भाई, तो यह एक वार्षिक उत्सव है और वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म इसी समय हुआ था, दुनिया पर इसका प्रभाव का जश्न है। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे आमतौर पर वेब के रूप में जाना जाता है, ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक जिनका नाम था टिम बर्न्स-ली, उनके द्वारा विकसित किया गया था। 1989 में उन्होंने इसे विकसित किया था, हाँ, और उसी के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। ये क्या करता है, उसमें इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है, सूचनाओं को साझा करता है। तो आमतौर पर देखे होंगे एग्जाम में यह भी सवाल होता है स्टूडेंट कि बताओ WW जो वेब है, WW वेब मतलब WW डॉट जो है, यानी कि WWW, इसको किसने डेवलप किया था पहली बार? तो सबने आज जानकारी रखोगे कि सर टिम बर्न्स-ली ने इसे सबसे पहले डेवलप किया था, और बिल्कुल, और ये क्या भारत का पहला क्या था स्टूडेंट, पहला वेब ब्राउजर था पूरी दुनिया का, तो इसकी जानकारी रखोगे। ये दुनिया का पहला वेब ब्राउजर था, इसकी शुरुआत कब हुई, 1989 में, और यह भी सवाल हो सकता है कि इसको लॉन्च कब किया गया था, पहली बार शुरू कब हुआ था, तो पहली बार शुरू हुआ था 6 अगस्त 1991 को, उन्होंने प्रयोग कर लिया था 89 में, हाँ बिल्कुल, ये पहला वेब ब्राउजर था। आगे पुनः सवाल हमारे लिए होगा, और इससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँ, मैं जिस क्लास की बात कर रहा था वो यही वाला है, देखो लक्ष्य सीरीज, हाँ लक्ष्य BPSC, इसी क्लास की मैं बात कर रहा था। मैं अनअकैडमी के फ्री क्लास में ये करवाता हूँ, फ्री क्लास जो कि रात में 9 बजे होता है, 9 PM में। तो अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके प्रयास करिएगा इस क्लास में जरूर जुड़ने का। इसमें 50 ऐसे क्वेश्चंस कराता हूँ, मिक्स्ड क्वेश्चन GS का, जो आपको मतलब लगेगा कि आप सच में एग्जाम में बैठे हो, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं, और आप में से कई बच्चे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको लगता है कि अनअकैडमी के ऐप पे सारे पेड क्लासेज हैं। ये ऑब्सोल्युटली फ्री क्लास है, आप जरूर से जरूर जुड़ना रात में 9 बजे आज। उसमें मैं हूँ SK चौधरी, आप हमें अनअकैडमी पे इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हो, और इकोनॉमिक्स के लिए भी हमारा फाउंडेशन कोर्स भी चलता है, आप उस कोर्स में हमें ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स को बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं लेकर के आ गया, एकदम ABCD टाइप से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो प्रयास जरूर करिएगा आप लोग इस सारे सेशन में जुड़ने का। आगे पुनः सवाल होगा, किसानों को स्वच्छ ऊर्जा समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार की एक पहल PM कुसुम का पूर्ण नाम क्या है? असमंड 66वीं BPSC में पूछा गया सवाल था कि कुसुम योजना का संबंध किससे है, और पुनः वही सवाल आपसे पूछा गया है कि PM कुसुम का फुल फॉर्म क्या है, PM कुसुम का पूरा नाम क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। 66वीं BPSC का सवाल था कि कुसुम योजना क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करना है। हाँ जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं। चलिए बहुत अच्छा, और इसमें सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑब्वियसली इसका सही उत्तर है, पूरा इसको पढ़ोगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, हाँ पूरा नाम क्या है स्टूडेंट, तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्टूडेंट, यह भारत सरकार की एक योजना है जिसको लॉन्च किया गया था 2019 में। कब लॉन्च हुआ था स्टूडेंट, 2019 में, और इस प्रोग्राम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब आपके मन में सवाल होगा कि जो है ये सवाल आपके मन में हो सकता है कि ये सवाल आपसे पूछा क्यों जा रहा है, हिस्टोरिकल क्वेश्चन हो गया, इसमें थोड़ी पूछा गया करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ सवाल। तो मामला कुछ इस प्रकार से है कि 1 अगस्त 2023 यानी कि 1 अगस्त को भारत में जो नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी और भारत में जो विद्युत मंत्री है स्टूडेंट RK सिंह, उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है, और उस रिपोर्ट में उन्होंने जानकारी दिया है कि अब तक अंडर दिस प्रोग्राम जो है, अब तक भारत में लगभग 2.46 लाख जो फार्मर्स हैं
उनको बेनिफिट मिला है, उनको लाभ मिला है। तो इनके टोटल लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई स्टूडेंट, इनके कुल लाभार्थियों की संख्या जो है वो हो गया है 2.46 लाख। अब फिर से जानकारी ये रखना है कि इस योजना में क्या होता है। इस योजना में स्टूडेंट सौर पंपों की स्थापना होती, मौजूदा ग्रिड से किसानों को सोलर एनर्जी जो है वो इत्यादि से उनको जोड़ा जाता है, रिन्यूएबल एनर्जी उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पूरा मामला क्या है वो समझ गए ना। एग्जाम के अंदर जो सवाल था वो एक लाइन का सवाल था, सोलर पंप उपलब्ध कराए जाते हैं। कुसुम योजना में क्या होता है, किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग कर सके और ऊर्जा की कमी भी महसूस नहीं कर सके। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे रहेगी। अगला सवाल है, किस बौद्ध धार्मिक दिवस पर आंग सान सूकी को माफ कर दिया गया जिससे उसकी जेल की सजा जो है वो कम हो गई है। असल आंग सान सूकी के बारे में आप सबने जानकारी रखोगे कि म्यांमार की ये राष्ट्र प्रधानमंत्री थी, म्यांमार की प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री वर्ड लिख लेंगे इनके लिए, और उनको लंबे समय से जो है वो जेल में कैद करके रखा गया था वहाँ की सेना के द्वारा। अच्छा, आंग सान सूकी जो है म्यांमार की प्रधानमंत्री थी और सेना ने कैद करके जेल में डाल दिया, तो वही सवाल पूछा जा रहा है कि वह कौन सा महत्वपूर्ण बौद्ध धार्मिक दिवस है जिस दिन उनके सजा को कम कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया। अभी रिहा तो नहीं हुआ है लेकिन उनको माफ़ कर दिया गया है। चलिए, तो सबने जानकारी रखोगे स्टूडेंट कि उन्होंने एक वहाँ पे दिवस मनाया जाता है स्टूडेंट, वह है धम काका दिवस। हाँ, धम काका दिवस, ये दिवस भी कितना इंटरेस्टिंग है, धम काका दिवस। तो म्यांमार में अधिकांश बौद्धिज्म है तो वहाँ पे उसको मानने वाले लोगों ने क्या किया है कि इस दिवस को उन्होंने उनकी सजा को कम कर दी है। और बिल्कुल, तो इसके बारे में पूरी जानकारी है कि म्यांमार के लोकतंत्र की चैंपियन मानी जाती हैं, लोकतंत्र की स्थापना माना जाता है उन्होंने किया था, और 2021 में उनको तख्ता पलट करके सेना ने जुंटा सैन्य जुंटा के द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। 19 आरोपों में से 5 में 1 अगस्त 2023 को माफ़ कर दिया गया है, यानी कि आरोपों की संख्या अब कितनी हो गई उनके ऊपर, मात्र 14 नहीं है, ये बहुत बड़ा आरोप है, 14 कम नहीं होता। अच्छा, एक और जानकारी रखोगे कि आंग सान सूकी जो है ना, इनका नाम कभी मत भूलना, बहुत एग्जाम में आता है। एक ऐसी बहादुर महिला है, एक ऐसी ताकतवर महिला है जिनको जेल में रहते हुए इनको पीस का, शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, और ये प्रधानमंत्री थी म्यांमार के, और वहाँ पर सेना के द्वारा, सेना जुंटा जो है उसके द्वारा इनको 2021 में तख्ता पलट कर दिया गया, इनको जेल में उठा के डाल दिया गया। अब बिल्कुल, अब मिलिट्री शासन वहाँ पर चलता है म्यांमार के अंदर। चलिए, तो आगे फिर से हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट जानकारी क्या होगा स्टूडेंट। चलिए, तो अगली जानकारी है, अगला सवाल हमारे लिए होगा कि बताओ, यूनेस्को की रिपोर्ट वेनिस को खतरे में पड़े विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने के, सिफारिश करने के कारणों के रूप में किन जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है। वेनिस शहर जो स्टूडेंट, जो दुनिया का वाइन सिटी कहलाता है, वेनिस इटली के अंदर है, तो वेनिस शहर जो है उसको खतरे में माना जा रहा है। तो पूछा जा रहा है क्यों खतरा इस शहर को, यूनेस्को ने खतरे के लिस्ट में डाल दिया है, तो खतरा का वजह क्या है ये बताना है आपको। इसको किस चीज़ से खतरा है जिस कारण से इसको खतरे की सूची में डाल दिया गया है। तो सभी लोग जानकारी रखोगे कि यहाँ पर अत्यधिक पर्यटन आ रहा है और अत्यधिक विकास कार्यों से, ओवर हेलमिंग टूरिज्म एंड ओवर डेवलपमेंट। असल अगर किसी स्थान को आप ज़्यादा अगर डेवलप करते हो, ज़्यादा छेड़छाड़ करते हो, तो वह स्थान डैमेज होता है। ऐसा नो, अगर कोई भी विरासत स्थल है, कोई भी हेरिटेज है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट कर रहे हैं, खूब डेवलपमेंट का काम कर रहे हो, तो उसकी जो ओरिजिनलिटी होती है, उसकी जो वास्तविकता होता है, उसका जो वो क्या होता है, उसको डिमोलिश होता है, वो ख़राब होता है, ख़त्म होता है। तो ये वजह बताया गया जिस कारण से यूनेस्को के द्वारा उसे जो है वो सिफारिश किया गया है कि भाई उस जोखिमों का प्रकाश वो डालता है, उसको विश्व धरोहर स्थलों में खतरा बताया गया उसके लिए। हाँ, एक बच्चा लिख रहा है कि डेवलपमेंट कैसे खतरा समझा, डेवलपमेंट नहीं खतरा है। अब डेवलपमेंट के नाम पे मान लो सूरज तुम्हारा डेली जो है, तुमको डेली पार्लर ले जाया जाए, तुम्हारा डेवलपमेंट के नाम पे तेरा बाल वाल नोचवाया जाए, तुमको क्रीम पाउडर लगाया जाए डेली, तो भाई एक समय के बाद तुम खराब हो जाएगा ना तेरा स्किन। नेचुरल चीज़ें अच्छी होती है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना। अब मान लो तुम एक बंदे हो, अब तुमको डेली पार्लर लेकर के जा रहे हैं, तेरे नाक नोचवा रहे हैं, कान बाल सब, आँख वाँख, तो डेली थोड़ी हो सकता है। एक आध दिन हो गया, शादी विवाह तुम्हारा है, एंगेजमेंट है, तो चलो हो गया, समझ रहे ना।
दिल्ली नहीं ना हो सकता है। तो भाई ये भी शहर है वेनिस, तो वेनिस शहर की ओरिजिनलिटी तो बना हुआ रहना चाहिए। खूब डेवलपमेंट करोगे डेली, कभी यहाँ गड्ढा खोद दिए, कभी वहाँ खोद दिए, कभी वहाँ कुछ हो, तो उससे नहीं होता ना, वो डिमोलिश कर देता है उसकी ओरिजिनलिटी को। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, पार्लर का स्पेलिंग सही लिखो ना, मार के नाक वाक तोड़ दूंगा मैं, बदमाश बच्चे कहीं के। चले तो यही सब है स्टूडेंट। यूनेस्को के बारे में भी आपने जानकारी होगा, यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और पेरिस फ्रांस इसका मुख्यालय है, आमतौर पे सवाल भी पूछा जाता है, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, तो उसी ने सिफारिश की। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस की अवधारणा को मंजूरी दे दिया है? सवाल है उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। चलिए, वर्टिकल यूनिवर्सिटी का मान्यता किसने दे दिया है? चलिए, तो इसमें सही जानकारी होगा स्टूडेंट कि संबंधित राज्य जहां पर वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस की अवधारणा को मान्यता दिया गया। आपके कमेंट्स में देख रहा हूं मैक्सिमम लोग गलत ही करा है स्टूडेंट, इसको मान्यता देने का कार्य किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। पूरा मामला समझना, देखो क्या है, वर्टिकल यूनिवर्सिटी का जो कैंपस का कंसेप्ट है ना, वर्टिकल यूनिवर्सिटी कैंपस का जो कंसेप्ट, वो इंडिया में नहीं चलता है स्टूडेंट, यूरोप में चलता है और पश्चिम के बहुत सारे देशों में चलता है। हाँ, तो उन देशों के अंदर ये कंसेप्ट है, हमारे यहाँ नहीं है। इसमें क्या होता है ना कि एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी में बिल्डिंग फिक्स होंगे, उस बिल्डिंग में वही पढ़ाई होगा, वही काम होंगे, मतलब कुछ भी नहीं होगा। और अगर बच्चों की संख्या बढ़ रही है तो निर्माण भी हो सके, उसकी संभावना बनी रहती है। तो भारत में ऐसा कानून बनाने वाला जो कार्य है वो महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। इंडिया में ये कंसेप्ट नहीं चलता था, ये कंसेप्ट बेसिकली जो है वो इसराइल में, वॉशिंगटन डीसी में, लंदन में, तेल अभी न्यूयॉर्क जैसे शहरों के अंदर चलता है। तो भारत भी अब उस लिस्ट में शामिल हो गया है। और भारत का कौन सा राज्य शामिल हुआ है, तो वह है बिल्कुल, तो अभी पूरा डिटेल आप पढ़ना, आप पूछा जा सकता है मेंस के अंदर इंटरव्यू में कि भाई वर्टिकल यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट क्या है। तो ये तब होता है जब भूमि की कमी रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। वही सारी बातें वापस से यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ। नेक्स्ट है कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किस देश के साथ, नेक्स्ट है कि किस स्मृति ईरानी ने किस शहर में G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। ये इम्पावर शिखर सम्मेलन ऑब्वियसली वीमेन एम्पावरमेंट की बात पे आधारित है, तो उसका इन्होंने उद्घाटन कहाँ पर किया है, बेंगलुरु, नई दिल्ली, चेन्नई या गांधीनगर में। बिल्कुल इसमें कमेंट करोगे कि कहाँ पे इसे किया गया है। बिल्कुल, चलिए सही जानकारी हो जाएगा स्टूडेंट कि इसका इनॉग्रेशन किया गया है G20 की बैठक का स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा, और यह बैठक हुआ है वन एंड वनली गुजरात गांधीनगर की राजधानी, सॉरी गुजरात की राजधानी गांधीनगर के अंदर, और महिला नेतृत्व विकास पे आधारित यह बैठक है ना, किस पे आधारित है स्टूडेंट, वीमेन एम्पावरमेंट पे। और इसमें क्या है कि G20 में महिलाओं के जो एजेंडे हैं उस पर इसमें चर्चाएं हुई हैं। G20 में अभी भारत में लगातार मीटिंग हो रहा है, G20 का 2023 का जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है ना, और अगले वर्ष 2024 की अध्यक्षता करने वाला जो देश है वह है ब्राज़ील, और उसके बाद उससे पहले भारत से पहले 2022 में किसने इसकी अध्यक्षता किया था, तो इंडोनेशिया ने। तो ये पूरी जानकारी रखिएगा, और हमने एक G20 पे सेशन भी लिया हुआ था, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हो। हाँ, यानी कि भारत 2023 में पूरी की पूरी वर्षों के दौरान जो है इसकी प्रेसिडेंसी अपने पास रख रहा है भारत। आगे सवाल है, विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का 5वां संस्करण 25 से 28 सितंबर तक किस शहर में होगा, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई या ग्रेटर नोएडा में। ये 5वां संस्करण है कॉफ़ी का, थोड़ा हिंट कर दूंगा अगर मुझे बोलोगे तो, और वो हिंट ये होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है भाई, तो उधर ही उसी शहर वहर में हो रहा है ये। इट इज़ प्रपोज टू बी हेल्ड इन विच सिटी।
चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करते चलना है सबको, हाँ जल्दी से फटाफट से। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली स्टूडेंट, विश्व कॉफी सम्मेलन का 5वां संस्करण होगा और ये 5वां संस्करण आयोजित होने वाला है बेंगलुरु के अंदर। आपने जानकारी है कि भाई भारत में कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है वो ऑब्वियसली कर्नाटक उसमें पहले नंबर पे है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका वो हेड होंगे। और कॉफ़ी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि कॉफ़ी एक जो है एक प्लांटेशन, एक पौधा पे आधारित फसल है, और एक क्या है तो बागानी फसल है, हॉर्टिकल्चर के रूप में है। और कॉफ़ी का उत्पादन उन क्षेत्रों में किया जाएगा स्टूडेंट जहाँ पे हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और साथ ही साथ वहाँ पे हैवी रेनफॉल होना चाहिए, यानी कि दोनों अधिक होना चाहिए। अभी जो आयोजन होगा 5वें संस्करण कॉफ़ी सम्मेलन का, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी नियुक्ति हुआ है किसी व्यक्ति की, उसकी भी जानकारी रखना है कि इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो स्टूडेंट इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहन बोपन्ना को, रोहन बोपन्ना साहब जो हैं उन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इन्हीं सारी बातों को आप थोड़ा विस्तृत में भी अगले स्लाइड में पढ़ सकते हो, वो सब कुछ वहाँ पे हमने मेंशन करा है कि सबसे अधिक उम्र के 43 ईयर्स ओल्ड हैं 43 वर्षीय टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दुनिया भर में कई सारे देशों में कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश है, हाँ तो इसकी जानकारी रखेंगे। और वो सारी बातें वापस से यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ कि इसमें 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जो है वो शामिल होंगे। सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी एसोसिएशन के द्वारा किया जा रहा है और इसकी स्थापना कब हुआ है भाई कॉफ़ी एसोसिएशन का, तो 1969 में। भारत में इसको कौन आयोजित करेगा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय मिल करके कर रहा है, हाँ तो पूरा मामला है। 5वां संस्करण है, भूलना नहीं है, 5वां संस्करण है, 5th एडिशन है जो इंडिया में हो रहा है। और बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें इधर हो गई। नेक्स्ट है कि भारत में कॉफ़ी बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो स्टूडेंट भारत में कॉफ़ी बोर्ड है कहाँ पे पहले भाई, ये भी बेंगलुरु में ही है और कॉफ़ी बोर्ड के अध्यक्ष हैं केजी जगदीश, तो ये भी हम लोग जानकारी रखेंगे, केजी जगदीश इसके अध्यक्ष, ये भी पॉइंट आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने ऋण स्वीकृत किए गए हैं, मुद्रा योजना के तहत साथियों कितना ऋण स्वीकृत किया गया है, कितने का ऋण स्वीकृत किया गया है जल्दी से कमेंट करिएगा। 7.25 17 इतना या इतना जल्दी से, कितने का ऋण स्वीकृत किया गया है। पीडीएफ आप सभी बच्चे ध्यान देना, इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे देखना, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, 5वें नंबर पे होगा शायद, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ किस नंबर पे लिख रहे हैं ये, हाँ 5वें 6वें नंबर पे देखना, एसके सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है ना, उस पर क्लिक करके ज्वाइन करिएगा, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो सबने जानकारी रखोगे स्टूडेंट कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6.23 करोड़ रुपये जो है वो ऋण को मंजूरी मिला है। मुद्रा योजना में स्टूडेंट 3 प्रकार का ऋण मिलता है ना, आप सबने जानकारी रखोगे, शिशु ऋण मिलता है इसमें, शिशु ऋण मिलता है कितना 50,000 रुपये तक, 50K तक, हाँ। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किशोर ऋण, किशोर ऋण कितना मिलता है भाई, तो सबने जानकारी रखोगे कि ये मिलता है 50,000 से लेकर के 50K से 5 लाख तक, 5 लाख रुपये तक, हाँ। उसके बाद है तरुण ऋण, यानी कि 3 श्रेणी में प्राप्त होता है और इसमें कितना मिलता है भाई 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक इसमें लोन मिलता है। तो आमतौर पर एग्जाम में यह भी सवाल होता है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है वो कितना कितना जो है वो ऋण प्राप्त होता है, तो सबने जानकारी रह जाएगा ना ये, बिल्कुल। और योजना कब लॉन्च हुआ था भाई 2015 में, हाँ 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च किया गया है। ये गैर कृषि कार्यों के लिए ऋण देता है, यानी कि कृषि के लिए ऋण नहीं, गैर कृषि, कृषि के अतिरिक्त अगर आप कुछ करना चाहते हो तब इसमें आपको ऋण प्राप्त होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी का एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हो, नेक्स्ट जो हमारा विश्लेषण है, बिल्कुल, तो इसका विश्लेषण वही है स्टूडेंट कि बिल्कुल वो सारी चीज़ें वापस से यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
अगला प्रश्न, कौन सा विश्वविद्यालय ज्योतिषी ज्योतिष ओपीडी शुरू करेगा, जहां विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के शिक्षकों और शोध छात्र हर शाम 1 घंटे लोगों की कुंडली की जांच करेंगे। लो, वह कौन सा यूनिवर्सिटी है जो ओपीडी का निर्माण करने वाला है? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। ओपीडी का निर्माण करेगा वह यूनिवर्सिटी कौन सा है? तो देखिए, वह यूनिवर्सिटी जो है ना, वह है बनारस का यूनिवर्सिटी। हाँ, और बनारस का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, और ये वाराणसी यूनिवर्सिटी जो है, वो वाराणसी का यूनिवर्सिटी का नाम है संपूर्ण नंद संस्कृत विद्यालय। वहाँ पे ज्योतिष ओपीडी बनाया जाएगा और आप उस ओपीडी में जा करके अपनी कुंडली वगैरह दिखवा सकते हैं ना, कि भाई आपकी किस्मत कहाँ पे रुकी हुई है, आपके नौकरी कब लगेंगे, आपके पास पैसे कब आएंगे, आपके शादियाँ आपके पसंद के कब होंगे। हाँ, आमतौर पर इंडिया में ही करते हैं ना। बिल्कुल, तो ये सब कमेंट सेक्शन में फालतू चीज़ें क्यों लिख रहे हो, आप हमें तंग करना चाहते हो क्या? तो स्टूडेंट, भारत में पहला ऐसा यूनिवर्सिटी बनेगा जो ओपीडी का निर्माण करेगा। वहाँ पे 1 घंटा तक जो है वो लोगों की जांच वाँच होगी, उनकी कुंडलियाँ मिलाई जाएंगी। बिल्कुल, और बिल्कुल, और इसकी स्थापना के लिए 25 लाख रुपये का भी फंड अलॉट हो चुका है। डॉलर में नहीं भाई रुपये में है 25 लाख जो है उसको फंड अलॉट हुए हैं, तो इसकी भी जानकारी रखोगे। और एस्ट्रो ओपीडी इसका नाम होगा, है ना। चलिए, तो ये बाह्य रोगी विभाग का संक्षिप्त रूप है, और वाराणसी में इसकी स्थापना करी जाएगी, जहाँ शिक्षक और छात्र 1 घंटा के लिए बैठेंगे। आगे पुनः सवाल हमारे लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला प्रश्न होगा कि बताओ, निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने तीसरे बुनियादी ढांचा बॉन्ड जारी करने के माध्यम से 7.54% की कूपन दर 10,000 करोड़ रुपये जुटा लिए हैं? तीसरी बुनियादी ढांचा बॉन्ड जारी करने के माध्यम से, मतलब एक बॉन्ड जारी करा है, बॉन्ड और शेयर में डिफरेंस है। हाँ, शेयर क्या होता है कि आप कंपनी के हिस्सेदार बनोगे, बॉन्ड क्या है, एक फिक्स्ड समय के लिए लिया गया उधार है अपने शेयर के बिहाफ में। तो स्टूडेंट, उस बैंक का नाम क्या है? चलिए, तो साथ ही उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसने बिडिंग करी थी 31 जुलाई को, ये लॉक कर दिया गया है, और इसने टोटल 10,000 करोड़ रुपये जो है वो जुटा लिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब भी बात होती है तो आपने 1955 जब इसको इंपीरियल बैंक से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और अब एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, PSB है। जब भी स्टेट बैंक की बात हम लोग करते हैं तो एक समिति का नाम आता है, गोरेवाला समिति, जिसके कहने पे इसको नेशनलाइज्ड किया गया था। इट वाज नेशनलाइज्ड विद द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, गोरेवाला कमेटी। तो बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई हेडक्वार्टर एंड ऑल, ये सब बताइए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जुलाई 2023 में सरकार ने कितना पैसा कमा लिया है? GST के माध्यम से गवर्नमेंट का कलेक्शन कितना है? तो सरकार भी हर साल तो पैसे बढ़ाती जा रही, खूब कमा रही है। हाँ, तो इस बार का कलेक्शन क्या रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, जुलाई 2023 में कितना कलेक्शन है सरकार के पैसे, कलेक्शन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और इस वर्ष जो कलेक्शन आया है वो 11% का इंक्रीजमेंट है, सोच लो। 11% की वृद्धि दर्ज हुई है GST कलेक्शन में, और सरकार ने इस वर्ष GST के अंतर्गत साथियों 1.6 पॉइंट, अच्छा तो पूरा अमाउंट ही लिखा हुआ है, 1,65,105 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। यानी कि सरकार को कितने GST कलेक्शन प्राप्त हो गए हैं, बड़ा अमाउंट है ये, 1,65,000। आमतौर पे ना 1.5 से ऊपर जब कलेक्शन आता है ना, तो गवर्नमेंट बम, गवर्नमेंट को मज़ा आ जाता है। हाँ, वाह, मज़ा आ गया। तो GST काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट को मिला है, जो कि अपने आप में, और क्यों ना अच्छा मिले भाई, इंडिया में इतना सारा GST का हाई रेट चल रहा है। तो ये पूरी जानकारी रखोगे, और IGST YGST के अंतर्गत चीज़ें बटेंगी भी अभी, तो ये सब कुछ भी हम लोग देखेंगे। चलिए, ऑलराइट, नेक्स्ट जानकारी रखोगे। अब हम लोग बिहार के कुछ करेंट अफेयर्स को देखेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? तो बिहार करेंट अफेयर्स के लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। हाँ, सवालों की बौछार लगने वाली है, सवालों का बौछार होने वाला है।
जल्दी जल्दी से सवालों को देखते चलिए। चलिए पहला सवाल है कि बिहार शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में जल संरक्षण हेतु कितने करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। बिहार में विद्यालयों में जल संरक्षण के लिए कितने पैसे जारी किए हैं। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन, बिहार सरकार ने टोटल 20.84 करोड़ रुपए जारी किए हैं, यानी कि सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि बताओ 36वें राष्ट्रीय सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का ओवरऑल विजेता टीम राज्य कौन रहा है। तो क्वेश्चन, इसका आयोजन भी हुआ था, इधर पटना के अंदर ही हुआ था, और इसका विजेता रहा है बिहार, तो डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल फिर से हमारे सामने होगा, अगला सवाल बिहार से जुड़ा हुआ कि बताओ बिहार के नगर विकास और आवास विभाग ने कितने नए विस्तारित शहरों की प्लानिंग एरिया अथॉरिटी को अधिसूचित किया है। प्लानिंग एरिया अथॉरिटी को अधिसूचित किया है, कुल शहरों की संख्या कितनी है। तो बिहार में इसमें 10 टोटल शहर है जहाँ पर प्लानिंग एरिया अथॉरिटी को सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है, उसको अधिसूचित किया है। पुनः सवाल हमारे सामने है कि बताओ बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं। ये सवाल काफ़ी चर्चा में भी रहा था भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए। पुलिस बहाली के लिए जो आयोग काम करता है स्टूडेंट, उसके पद पे किसकी नियुक्ति हुई है। तो KS द्विवेदी, क्या नाम है स्टूडेंट इनका, KS द्विवेदी, एंड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुनः सवाल हमारे लिए होगा कि बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने न्यूनतम मजदूरी को कितने रुपये में वृद्धि करी है। मिनिमम मजदूरी को कितने रुपये में वृद्धि करी है, तो इसको 15 से 23 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, अलग अलग श्रेणी में 15 से 23 के बीच में जो है वो इंक्रीजमेंट इसके अंदर किया गया है। चलिए, तो इन तमाम सवालों को हम लोगों ने यहाँ से कंप्लीट किया और अब वापस हम लोग अपने सेशन में लौटेंगे। चलिए वापस अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे और अनअकैडमी पर जो आपके लिए नए अपडेट्स हैं एक बार मैं वो दे देता हूँ। हाँ स्टूडेंट, आज से अनअकैडमी पर एक बहुत शानदार कोर्स लॉन्च हो रहा है, वह कोर्स है 17वीं BPSC के लिए, न्यू बैच आ रहा है और चूंकि आज है 3rd of August, हाँ तो 3rd of August को ये बैच हमारा लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है उत्कर्ष 17वीं BPSC फाउंडेशन कोर्स। 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, अनअकैडमी की पूरी टीम आपको इसमें मिल जाएगी। आप अगर सिर्फ इस बैच से जुड़ना चाहते तो 5559 यानी कि 5,559 रुपये लगेंगे और आप रेफरल कोड SKC10 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उस कोड का प्रयोग करोगे, इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेलेबल है वो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बिहार राज्य शिक्षक बहाली के लिए टेस्ट सीरीज भी है, उज्ज्वल टेस्ट सीरीज 199 महज, ये शिक्षकों की बहाली के लिए जुड़ा हुआ कोर्स है। हाँ, ज्योग्राफी की 599 में कोर्स आ रहा है, क्रैश कोर्स 1499 पे, अंतिम पड़ाव 69th BPSC के लिए 499 में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश माध्यम में अगर फाउंडेशन कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो ये कोर्स आपके लिए है। आरंभ 17वीं BPSC ये अनअकैडमी पे फाउंडेशन कोर्स है हिंदी के लिए, तो इन सारे कोर्सेज को आप अनअकैडमी पे बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। और कुछ बच्चों के पास अनअकैडमी का ऐप नहीं है, आप लोग कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो कर लेना। हाँ, और ये सिंपल स्टेप क्या है, ऐप इंस्टॉल करिए, मोबाइल नंबर डालो, कैटेगरी सेलेक्ट करना बिहार एग्जाम्स, हाँ बिहार स्टेट एग्जाम, और जा करके लैंग्वेज सेलेक्ट करिए। 4 स्टेप है और 4 स्टेप को फॉलो करके आप अनअकैडमी पर आ सकते हैं। अब इसमें ध्यान ये देना है कि अनअकैडमी पर केवल पेड कोर्सेज नहीं होते हैं, फ्री क्लासेज भी होते हैं, तो आप लोग पहले फ्री क्लासेज करके देख लेना, फिर जा करके आप पेड कोर्सेज लीजिएगा अगर अच्छा लगेगा। हाँ, तो आप रात में 9 बजे जो मेरी क्लास है उसमें ज़रूर से ज़रूर आइएगा, सबका वेलकम रहेगा। हाँ चलिए, एक बच्चा लिख रहा है सर पैसा भी नहीं है और SDM बनना चाहते हैं। बिल्कुल मेहनत करिए, मेहनत करने में पैसे नहीं लगते ना, किताबें उठाइए और पढ़ाई करिए। हाँ, अनअकैडमी जैसी प्लेटफॉर्म फ्री क्लासेज वगैरह भी लेकर आई है, उसका लाभ उठाइए अधिक से अधिक। चलिए, तो आज के सेशन को साथियों इधर ही समाप्त करेंगे। अब 2 पैसे की शायरी कि कहने वालों को कुछ नहीं लगता, ये कई बच्चों के दिल पे लगेगा डायरेक्ट, हाँ बट कोई नहीं, कि कहने वालों को कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। हाँ, कहने वाले को कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं, कौन ढूंढे जवाब दर्दों का। ध्यान से सुनना कि कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, लोग तो बस सवाल करते हैं, है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं, कौन ढूंढे जवाब दर्दों का, कौन ढूंढे जवाब दर्दों का,
लोग तो बस सवाल करते हैं। तो साथियों, हमेशा इस बात का ख्याल करना है कि आप भी कमाल करते हैं दर्दों को सह करके, है ना। तो सहना वहना नहीं है, हमेशा प्रयास करिए अपने सपनों के लिए, जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, अपने सपनों के लिए हकीकत में लगन के साथ परिश्रम करिए और उसे प्राप्त करिए, सहने वहने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ चलिए, तो अब तुम लोग इधर कमेंट सेक्शन में लड़ाई झगड़ा कर लो अपना। हाँ क्या तो इतना लंबा लंबा कमेंट सेक्शन। चलिए तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को क्लास से जुड़ने के लिए, और अपना खूब ख्याल रखिए। कमेंट सेक्शन में आप प्रयास करना है, अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओगे, और लाइक बटन को क्लिक करिएगा। अभी तक बहुत कम बच्चों ने लाइक किया है, जल्दी जल्दी से एक बार लाइक कर लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो फिलहाल सेशन को जल्दी लाइक करिए और अपने सभी साथियों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है साथियों, आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। अब आपकी अगली क्लास है 10 बजे, हाँ 10 बजे सुबह आप सबका स्वागत करेंगे फिर से। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाना 10 बजे YouTube के ऊपर। हाँ, बिहार करंट अफेयर्स का एक पूरा सीरीज देखेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।